Welcome to the daily session of current affairs of Plant Academy. तो ये कल का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. ICC partners with which organization to deliver one day for children at Men's Cricket World Cup 2019? So, the correct answer is option number D, that is UNICEF. UNICEF is the right answer. So ICC partners with UNICEF to deliver one day for children. जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 38 जून को जो मैच होगा एट एडिक बेस्टन में, उसमें एक दिन जो होगा वो वन डे फॉर चिल्ड्रन एक्टिविटी उस दिन शो किया जाएगा मैच में. ओके, सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, एम ओ ए स्टैंड्स फॉर मोमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट वो साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ब्लैंक फॉर सेटिंग अप द सेंटर फॉर आइलैंड एंड कोस्टल मरीटाइम टेक्नोलॉजी. ए IIT मुंबई, बी IIT खड़गपुर, सी IIT रुड़की और डी IIT दिल्ली. सो द राइट आंसर हियर इज IIT खड़गपुर. ओके, तो ये जो अग्रीमेंट किया गया है ये फोकस करेगा शिप डिज़ाइनिंग पे, बिल्डिंग पे और टेस्टिंग पे, और ये साइन किया गया है बाय IIT डायरेक्टर प्रोफेसर पार्थ पी चक्रवर्ती एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दैट इज़ कैलाश कुमार अग्रवाल. ये है फिगर में आप देख सकते हैं, ये है कैलाश कुमार अग्रवाल, ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 15th मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया टाइटल 2019? ए प्रिया सिराव, बी बेला कशिम्बा, सी मरिजाना रेडमैनोविक, डी ओलिविया कल्पो. So the right answer is option number A, that is Priya Sarau. She is Priya Sarau and she won the 15th Miss Universe Australia title held in Melbourne, Australia on 27th June. On 27th of June. Okay. Now she will participate or represent Australia in the Miss Universe competition. तो 15th Miss Universe Australia title में जो first runner up है वो है बेला कसिम्बा, ये first runner up, और मारिजाना रेडनोविक ये है second runner up है ये. Okay, so third question, who among the following is the Ministry of Environment and Forest? A प्रकाश जावेदकर, B ज्वेल ओरम, सी राधा मोहन सिंह और डी रविशंकर प्रसाद. सो द राइट आंसर इज ए प्रकाश जावेदकर एंड ही इज़ प्रकाश जावेदकर. फिगर में आप देख सकते हैं, तो प्रकाश जावेदकर करेंटली एक स्कीम पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट कैंपस स्कीम, जिसमें कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो अपने कैंपस को इको फ्रेंडली रख सके और हेल्दी और क्लीन रख सके. ओके, अब ये ज्वेल ओराम जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स है ज्वेल ओराम, ट्राइबल अफेयर्स. राधा मोहन सिंह जो है ऑप्शन नंबर सी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स. एंड रविशंकर प्रसाद, ही इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इलेक्ट्रॉनिक्स and information technology. Okay, option next question, sorry, Kobe exchanged a letter of intent LOI with blank for sister city partnership. A Meghalaya, B Ahmedabad, C Kerala or D Arunachal Pradesh. So the right answer here is Ahmedabad. Okay, कोब जो है वो एक सिटी है जापान में, सेंट्रल जापान में, और जापान का कैपिटल क्या है, तो जापान का कैपिटल है टोक्यो. ओके, तो जो ये लेटर ऑफ इंटेंट एक्सचेंज हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो सके, और ये जो एक्सचेंज हुआ है लेटर ऑफ इंटेंट ये हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, First World Youth Conference on Kindness will be held on A 20,
3 to 25th of August, B 21 to 22 August, C 22 to 23rd August, or D 28 to 38th August. So the right answer is option number C, 20 to 23 August. Okay, और ये हो कहाँ पे रहा है? तो ये हो रहा है, ये organized किसके द्वारा होता है? तो ये OP Jindal Global University है और Delhi based UNESCO, MGIEP, MGIEP. Okay, MGIEP stands for Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development. ठीक है, ये इसको organize करने वाले हैं to commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Okay, और इसका theme है, इसका event का theme होगा Vasudev Kutumbakam. Vasudev Kutumbakam. Kutumb कम मीन्स इसका मीनिंग है गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. ओके, मीनिंग इज गांधी फॉर टेम्प्रेरी वर्ल्ड. सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 6. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट स्टैटिस्टिक्स डे एवरी ईयर ऑन ए 27 जून, बी 28 जून, C 29th June and D 38th June. So the right answer is option number C, 29th June. 29th June ko Government of India celebrate karti National Statistics Day. Okay, aur ye is bar kahan hua hai? To Vigyan Bhavan Delhi mein hua hai celebrate, and it was chaired by Union Minister of State of Ministry of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh. Theek hai, और ये मनाया जाता है किसके कॉमेमोरेट को, बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए, प्रोफेसर पीसी, प्रोफेसर पीसी महा लानोबिस, महा लानोबिस, इसके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है. इसे फादर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं और ये पद्म भूषण भी जीत चुके हैं. इनका पूरा नाम है प्रशंता चंद्र महालानोबिस. ओके, और इसका, इस इवेंट का थीम होगा जो स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट होगा, उसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन लोन अग्रीमेंट ऑफ डैश मिलियन फॉर द प्रोग्राम टूवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ए $380 million, B $400 million, C $300 million, and D $250 million. So the right answer here is option number B, $400 million. Okay, तो इस प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक और साइन किए 400 million का प्रोग्राम टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, टू इम्प्रूव द कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ टीबी कंट्रोल इंटरवेंशंस इन 9 states. 9 states में टीबी को इरेडिकेट करने के लिए. एंड द लोन अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय समीर कुमार खारे. ओके, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, समीर कुमार खारे. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शंकर लाल, एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर हैं शंकर लाल, ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक. ओके, तो वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है और वर्ल्ड बैंक जो है अभी फेमस रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 250 million dollars जो है वो केरल को भी डोनेट किए हैं, मतलब दिए हैं फॉर द रीसाइलेंट केरला प्रोग्राम्स, क्योंकि जो पिछले ईयर जो केरल में डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर से जो लॉस हुआ है उसको रीसाइलेंस करने के लिए 250 million dollars केरला को भी प्रोवाइड कराया है. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन इन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, और ये इंटरनेशनल बैंक है, इसके दो मेंबर्स होते हैं, एक आई बी आर डी एक मेंबर होते हैं. हियर आई बी आर डी स्टैंड्स फॉर
International. IBRD stands for International Bank for Reconstruction and Development. IBRD में total 189 member होते हैं और इसके दूसरे members होते हैं IDA. Okay. और IDA क्या stands for International Development Association. इसमें total 173 members होते हैं. World Bank का formation हुआ था 1945 में in July. यानी कि 73 years ago इसका formation हुआ था और अभी जो इसके president है World Bank के वो है David Malpass. He is the president of World Bank. और World Bank का largest shareholder है US, जो कि 17.25 shareholder है इसका. ठीक है, सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. अबूरी छाया देवी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस ए पॉलिटिशियन बी क्लासिकल सिंगर सी राइटर और डी क्लासिकल डांसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये एक तेलुगु राइटर थी और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है. साहित्य अकेडमी अवार्ड. इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी के लिए ये मिला गया है. शॉर्ट स्टोरी का नाम है ताना मरगम के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंघे खवाब सिंधु फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ए बेंगलोर, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जम्मू एंड कश्मीर. सो द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के ले यानी कि लद्दाख में ये सेलिब्रेट हो रहा है ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर पे ये सेलिब्रेट हो रहा है. अभी वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यपाल मलिक. ओके, सत्यपाल मलिक. क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज़ बिन बेस्टोड एन ऑर्नरी डॉक्टोरेट बाय IIT कानपुर ऑन द ओकेशन ऑफ देयर 52nd कॉन्वोकेशन. ए पुलेलो गोपीचंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी डब्ल्यू बी रमन और डी साइना नेहवाल. सो द राइट आंसर इज ए पुलेलो गोपीचंद. ही इज पुलेलो गोपीचंद, फिगर में इंडिकेट है. पुलेलो गोपीचंद जो है वो इंडिया चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच हैं और इन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीता है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है. अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्मा भूषण भी इन्हें मिल चुका है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11. विच कंट्री हैज़ गिफ्टेड मणिपुर अ म्यूजियम ऑफ पीस बिल्ट ऑन द मेमोरीज ऑफ बैटल ऑफ इम्फाल. ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी जर्मनी एंड डी जापान. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान. तो द इम्फाल पीस म्यूजियम यानी कि IPM इम्फाल पीस म्यूजियम टू कॉमोमरेट द 75th एनिवर्सरी फॉर द बैटल ऑफ इम्फाल के लिए म्यूजियम गिफ्ट किया गया है. 75th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ इम्फाल. ओके, एंड इट वॉज वन ऑफ द फियरकास्ट बैटल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो है. ओके, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सिंजो आबे. ही इज सिंजो आबे. ये है और ये हमारे PM है नरेंद्र मोदी. और यहाँ के एम्परर है नोरिटो. यहाँ के एम्परर है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12. A conclave on transforming Northeast India through science and technology has been started in which of the following state? Okay,
सॉरी क्वेश्चन नंबर वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 ना. A conclave on transforming Northeast India through science and technology has been started in which of the following state? A. Manipur, B. Arunachal Pradesh, C. Assam and D. Meghalaya. So the right answer is option number D, Meghalaya. Okay, Meghalaya is the right answer hai kyunki Meghalaya mein 2-day Northeast conclave 2019 kiya gaya hai at Shillong. Okay. और इसको ऑर्गेनाइज्ड कौन कराया है? तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि IBSD इसको ऑर्गेनाइज्ड करवाई है. ठीक है, गवर्नर कौन है मेघालय के अभी करेंट? तो वो है तथागत रॉय. ओके, और CM है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय इज कॉनराड संगमा. आई होप आपको ये याद रहे. नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, ये है गवर्नर मेघालय के, ये गवर्नर है तथागत रॉय. ओके, और ये है CM कॉनराड संगमा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. रिसेंटली मार्कस ट्रेस्कोथिक अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट. ही इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट. सो ही इज मार्कस ट्रेस्कोथिक और ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से. रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है, 27th ईयर और करियर से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड. रिसेंटली झरना धरा चौधरी पास्ड अवे. शी वॉज फेमस फॉर ए जर्नलिस्ट, बी फिल्म डायरेक्टर, सी सिंगर एंड डी सोशल एक्टिविस्ट. सो द राइट आंसर इज सोशल एक्टिविस्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड शी इज झरना धरा चौधरी. ये एक एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट थी और सेक्रेटरी थी गांधी आश्रम ट्रस्ट इन जयाग, बांग्लादेश ढाका. बांग्लादेश ढाका में गांधी आश्रम की ट्रस्टी थी. एंड शी डिवोटेड हर होल लाइफ टू प्रमोटिंग पीस, कम्युनल हार्मनी एंड सोशल जस्टिस. सो आज का लास्ट क्वेश्चन. A life-size sculpture of Maharaja Ranjit Singh has been unveiled in which of the following city? A. Amritsar, B. Lahore, C. Gurdaspur or D. Islamabad. तो इसका आंसर आप लोग को बताना है. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. मैं इसका आंसर कल बताऊंगी. आज के सेशन में बस इतना ही था. सो हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. And thank you for watching.